क्लास सेकंड, योर फोर्थ चैप्टर इज नाउन्स नेमिंग वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर नाउन्स, जिसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स भी। ये इंग्लिश ग्रामर का फोर्थ चैप्टर है आपका, ठीक। नाउन्स क्या होते हैं? अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। मतलब किसी भी इंसान का नाम, किसी वस्तु का नाम, या किसी जगह का नाम, या किसी भी जानवर का नाम, वो होगा हमारा नाउन्स। और नाउन्स को ही कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। नाउन और नेमिंग वर्ड दोनों सेम होते हैं, अलग नहीं होते हैं। जैसे नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग से ही समझ में आ रहा है, नाम तो किसी का भी नाम है। देखो, बिना नाम के तो कोई चीज़ होगी नहीं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होगा। भाई नाम नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो नाम तो होगा, नाम होना जरूरी है। तो चाहे किसी का भी नाम हो, आपका नाम हो, हमारा नाम हो, हम जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम हो, या हमारे आसपास देखिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे जानवर होंगे, तो वो उनका जो भी नाम है वो हमारा होगा नाउन्स। और नाउन को ही बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स, ठीक। और नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। अब कोई भी चीज, वो होगी हमारी नाउन, ठीक। अब आते हैं आपकी बुक में, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको पढ़िए। अभय इज रनिंग, अभय दौड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे किसका नाम दिया हुआ है, लड़का है ना, पिक्चर लड़के की बनी हुई है, उसका नीचे नेम लिखा है अभय। तो अभय हमारा क्या होगा? नाउन। नाउन क्यों होगा? क्योंकि नाम है ना, लड़के का नाम है, तो इसलिए अभय नाउन होगा। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। तो अब देखो क्या नाम दिया गया, बुक्स। बुक्स हमारा थिंग, वो ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो वो भी होगा हमारा नाउन। आई लिव इन जापान, मैं जापान में रहता हूँ। अब जापान क्या है? जगह का नाम है ना, जापान देश का नाम है, तो वो होगा हमारा नाउन। कोई भी जगह का नाम हो, हम आप जहाँ रहते हैं, जगह का नाम हुआ ना। लेकिन ये भी जानिए, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नाम ना हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, कोई सामान हो, हर चीज का नाम होता है ना। बिना नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, तो वो होते हमारे नाउन्स। इन द अबव सेंटेंसेस द हाइलाइटेड वर्ड्स अभय, बुक्स, जापान आर नेमिंग अ पर्सन, थिंग एंड प्लेस रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो अब है, बुक, जापान, ये सब क्या है? आर नेमिंग अ पर्सन, मतलब किसी इंसान का नाम है, भाई अब है तो इंसान का नाम हो गया, बुक्स थिंग हो गई, और जापान क्या हो गई? एक जगह। तो ये सब हमारे क्या हुए? नाउन। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो काउ, काउ भी हमारा क्या हो गया? नेमिंग वर्ड। क्यों? जानवर है ना, और गिव अस वो हमें क्या देती है? मिल्क देती है, मिल्क भी होगा हमारा नाउन, है ना, क्योंकि थिंग हुआ ना, ऑब्जेक्ट हुआ। अ क्रो फ्लाइज इन द स्काई, क्रो यानी कि कौआ आकाश में उड़ता है। अब कौआ पक्षी हुआ ना, क्रो, तो क्रो भी हमारा नाउन होगा। और कहाँ उड़ता है वो? आकाश में, स्काई, वो भी जगह हुई ना, तो स्काई भी होगा हमारा नाउन। अ गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन, अब गर्ल, लड़की कहाँ खेल रही है? गार्डन में, तो गर्ल, गर्ल होगा हमारा नाउन। क्यों? नाम हुआ ना लड़की, भाई नाम तो हुआ ही, बिना नाम का तो हुआ नहीं। गार्डन, गार्डन भी एक जगह हो गई, तो दोनों गए माय नेमिंग वर्ड। सोहन इज राइटिंग अ लेटर, सोहन एक पत्र लिख रहा है। सोहन, सोहन क्या हुआ? लड़के का नाम हुआ ना, और वो क्या लिख रहा है? लेटर यानी पत्र, वस्तु हुई ना, अगर हम उसको उठाएंगे तो पत्र को हम टच कर सकते हैं ना, तो वो होगा हमारा नाउन्स। ऑल द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स। जितने हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, ये हमारे क्या हुए? नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन्स। इनको हम नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं और नाउन भी कह सकते हैं। देयरफॉर अ नाउन नेमिंग वर्ड टेल अस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, लिविंग बीइंग, एनिमल, बर्ड और फीलिंग। तो हम नाउन या नेमिंग वर्ड किसको कह सकते हैं? किसी इंसान के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी भी लिविंग बींग, मतलब कोई भी जीवित चीज है, किसी एनिमल, जानवर, या फीलिंग, जो हमारी फीलिंग होती है। हमारी फीलिंग कहते हैं हैप्पी, सैड, जो हमारी अंदर की फीलिंग होती है, जो हम महसूस करते हैं, वो भी हमारा होता है नाउन, ठीक। अब हमारी एक्सरसाइज वन है, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमें क्या करना है? इन सेंटेंसेस में नाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे सारिका लव्स टू स्विम, इसमें नाउन क्या हो? सारिका,
नाम हुआ ना सारिका, सारिका हमारा क्या हो जाएगा, नाउंस। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ताजमहल, ताजमहल क्या है, द ताजमहल, ताजमहल देखो ना कहाँ है, आगरा में, तो इमारत है ना ताजमहल, तो वो भी होगा हमारा नाउन। और कहाँ है वो, आगरा में है, तो आगरा क्या हुआ, एक जगह का नाम हुआ ना, तो आगरा भी होगा हमारा नाउन। राधिका इज ईटिंग फूड, अब इसमें क्या होगा हमारा नाउन, राधिका, क्यों नाम हुआ ना, लड़की का नाम हुआ, और क्या खा रही है राधिका, फूड, फूड वस्तु ही ना, हम देख सकते हैं उसको, टच कर सकते हैं, तो वो होगा हमारा राधिका और फूड होगा हमारा नाउंस। फोर्थ नंबर है द बस अराइव्ड एट द बस स्टैंड। बस कहाँ पहुंची, बस स्टैंड पे, तो बस, बस हुआ हमारा नाउन, क्यों भाई, बस को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, ऊपर से थिंग है, ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु ही ना, इतनी बड़ी सी होती है। और कहाँ वो पहुंची, बस स्टैंड, तो बस स्टैंड क्या हुई, एक जगह हुई ना भाई, अगर हम कहेंगे हम बस स्टैंड गए हैं तो हम बस स्टैंड ही जाएंगे, हम कहीं और तो चले नहीं जाएंगे, तो एक प्लेस का नेम हुआ, है ना, सब जगह को तो हम बस स्टैंड कहेंगे नहीं, ठीक, तो वो होगा हमारा नाउन। द सन शाइन्स इन द स्काई, सूरज, सन, सन क्या होगा हमारा, होगा ना नेमिंग वर्ड, नाम है ना सूरज, स्काई, और कहाँ वो चमकता है, स्काई, आकाश में, तो स्काई हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, वो होगा हमारा नाउन, है ना। अब आगे की एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आप खुद से करोगे, दिस इज योर होमवर्क ना, ऊपर के मैंने 5 बता दी, अब समझ गए होगे। एक्सरसाइज 2 में क्या करना है, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड सर्कल द नाउंस इन इट। ये स्टोरी को पढ़ना है आपको, और इसमें आपको क्या करना है, सर्कल करना है, किसमें, नाउन में, जैसे ऊपर वाले में आपने क्या किया, जो नाउन थे उसमें अंडरलाइन किया है ना, इसमें आप क्या करोगे, सर्कल करोगे, जैसे अभिषेक इज अ गुड स्विमर, अभिषेक एक अच्छा स्विमर है, अच्छा तैराकी है, तो अभिषेक, अभिषेक हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, है ना, तो अभिषेक में हमने सर्कल कर दिया। ही प्रैक्टिसेस स्विमिंग इन द पूल डेली, वो प्रैक्टिस करता है स्विमिंग की, कहाँ पे, पूल, स्विमिंग पूल जो होता है ना, तो पूल एक जगह हुई ना, तो पूल भी होगा हमारा नाउन, है ना। He has a bag in which he keeps his costume, cap, towel and glasses to be used in pool. अब देखो, he has a bag, bag, bag हमारा क्या होगा, noun, क्यों, वस्तु हुई ना, और उसमें वो क्या क्या रखता है, costume, मतलब ना swimming costume, ये भी एक वस्तु हुई, cap, ये भी noun हुआ, नाम हुआ ना, towel, glasses, ये सब हमारे क्या हुए, noun हुए, और कहाँ वो use करता, pool में, pool जगह हुई ना, पूल भी होगा हमारा नाउन। ही फील्स हैप्पी, अब देखो जो हम फीलिंग है, जो माई फीलिंग है, वो भी होगा ना, हम कैसे, वो कैसे महसूस कर रहा है, खुशी, तो हैप्पी भी होगा हमारा नाउन वाइल स्विमिंग, यानी हैप्पी होगा हमारा नाउन। अभिषेक इज वेरी सैड टूडे, अभिषेक आज बहुत दुखी है, इसमें क्या होगा, अभिषेक नाउन है हमारा, और क्या क्या है, वो दुखी है, तो फीलिंग हुई, तो अभिषेक एंड सैड, अभिषेक में सर्कल करेंगे और सैड पे। ही हैज लॉस्ट हिज बैग, उसने अपना बैग खो दिया, क्या खोया उसने, बैग खोया, बैग होगा हमारा नाउन, क्यों, क्योंकि इट्स अ ऑब्जेक्ट और अ थिंग, भाई बैग हमारा कोई सामान हुआ ना। ही सर्च्ड एट इट एट होम द क्लासरूम एंड नियर द शावर्स ऑल्सो, अब उसने कहाँ कहाँ सर्च किया, जब उसने अपना बैग खो दिया, होम, होम, होम जगह हुई ना, तो होम भी होगा हमारा नाउन। क्लासरूम, क्लासरूम भी प्लेस हुई ना, क्लासरूम भी होगा हमारा नाउन। एंड नियर द शावर्स, शावर के पास, बट ही डिड नॉट गेट इट, लेकिन उसको वो कहीं नहीं मिला, तो ये होगा हमारे नाउन। एक्सरसाइज 3 क्या करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग नेमिंग वर्ड्स, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स, इसमें बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, 5 वर्ड्स लिखे हैं, इसमें 5 सेंटेंसेस भी लिखे हैं, इसमें आपको फिल करना है, एक तो ऑलरेडी किया है, ये भी आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 3 भी आप होमवर्क करोगे। आई लॉस्ट माई डैश टूडे, क्या खो दिया, मैम खोएगा, पेन खोएगा, स्कूल खोएगा, चाइल्ड या एनिमल, क्या खोएगा, खुद से करिएगा। फिर देखिए वर्ड सर्च, देयर आर 7 नाउन्स नेमिंग वर्ड्स इन द ग्रिड बिलो,
यहाँ पे 7 नेमिंग वर्ड्स आपको दिए गए हैं। अब इसकी ग्रिड बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया DOCTOR, डॉक्टर, ग्रिड बन गई ना, तो इसी में से सर्च करके हमको ग्रिड बनानी है। सब मिल जाएगा इसी में, सब मिल रहा है। तो ये भी आपका होमवर्क है। ये था आपका चैप्टर 4, नाउंस नेमिंग वर्ड्स।